पौन घंटे के लिए अगर इधर से हम लोग निकले हैं अंदर से तो व्यवस्था बन सकती है। जिस सीएम साहब पधारे थे तो व्यवस्था हुई थी ना। कार्तिक मेला पंचतीर्थ स्नान एकादशी से पूर्णिमा आगामी 4 नवंबर से 8 नवंबर आयोजित होने जा रहा है। पुष्कर के सतयुगी तीर्थ पवित्र सरोवर में कार्तिक मास का पंचतीर्थ स्नान शुक्रवार से शुरू होगा, जिसका समापन 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। वहीं पंचतीर्थी स्नान को लेकर प्रशासन, पालिका और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, कार्तिक एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी मेला विकास समिति और देवस्थान विभाग की ओर से आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लेकिन इस साल भी यात्रा का मार्ग बाहर रखने से साधु संतों और स्थानीय पुरोहितों सहित लोगों में आक्रोश है। संतों का कहना है कि पहले यात्रा पुष्कर के मुख्य बाजारों से निकलती थी, लेकिन अब यात्रा बाहर की ओर से निकलने के कारण लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। साथ ही आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जगत पिता ब्रह्मा की पावन धरा पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कार्तिक मेला पंचतीर्थ स्नान एकादशी से पूर्णिमा आगामी 4 नवंबर से 8 नवंबर आयोजित होने जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में पुष्कर में बहेगी धर्म और संस्कृति और आध्यात्म की सरिता और पुष्कर मेले का आगाज कल महा स्नान प्रारंभ होगा और इसी उपलक्ष्य में एकादशी को पुष्कर तीर्थ नगरी में आध्यात्म की सरिता के तहत आध्यात्मिक पदयात्रा का शुभारंभ और पुष्कर धार्मिक मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। कल सुबह 8:30 बजे गायत्री शक्तिपीठ से आध्यात्मिक पदयात्रा का हरी झंडी दिखाकर संत महात्मा और तीर्थपुरोहित उद्गण और सामाजिक धार्मिक संगठन इसका उद्घाटन करेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। और इस मौके पे हम निवेदन करते हैं कि पुष्कर में ये जो धार्मिक पदयात्रा आयोजित हो रही है इसमें आप सभी श्रद्धालुजन, धर्म प्रेमी जन आमंत्रित हैं और आकर इस आध्यात्मिक पदयात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ और धर्म लाभ कमाएं। आइए कल सुबह 8:30 बजे एकादशी के महापर्व पर पुष्कर तीर्थ में और पुण्य कमाइए। जय श्री राम। हम तो प्रतिवर्ष ही भाग लेते हैं यात्रा में। विगत 2 वर्षों से यात्रा कुछ दूसरे रूट से जा रही थी और प्रतिवर्ष संतों को भी उसमें मीटिंग में बुलाया जाता था। हमारे आज से 2017 तक हमारे गुरुदेव 25 वर्ष तक संत समाज के अध्यक्ष रहे। पुष्कर मेला जब भी आता था तो हमारे गुरुदेव के सानिध्य में प्रथम मीटिंग यहीं हुआ करती थी आश्रम में। गुरुदेव के जाने के बाद पूर्व SDM देविका तोमर जी ने मीटिंग जब करी थी तो सभी संतों को पुष्कर के सभी गणमान्य संत सेवानंद जी महाराज, प्रेमदास जी महाराज, रामद्वाला वाले महाराज, संन्यास आश्रम से गिरीशानंद से जो प्रतिष्ठित मेन जितने भी आश्रम हैं सभी को बुलाकर सबसे राय मशवरा लिया जाता था कि भाई आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार से क्या करना है। और पुष्कर के सभी गणमान्य लोग भी उसमें रहते थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी सब लोग रहते थे, सभी अधिकारी वर्ग उसमें बिराजते थे। अब पिछले 2 वर्षों से पता नहीं राम जी की क्या इच्छा रही, 2 साल तो कोरोना में चला गया और थोड़ा रूट भी परिवर्तन हो गया। अभी कोई ऐसी कोरोना जैसी महामारी भी नहीं है, फिर भी रूट को परिवर्तन कर दिया गया। इस बार किसी भी संत को सूचना नहीं दी गई कि भाई किसी भी स्थान को, पुष्कर में 45-55 स्थान है संतों के, किसी भी आश्रम में मीटिंग के बारे में सूचना नहीं दी गई कि भाई इस प्रकार से ऐसा ऐसा रूट परिवर्तन किया जा रहा है, आप सब बता रहे हैं। तो हमारे अग्रज हैं महाराज श्री प्रेमदास जी महाराज, समय राम वाले महन जी, इस बारे में हम चर्चा हुई थी हमारी 2 दिन पूर्व हुए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका क्या विचार है, क्या निर्णय है। तुमने कहा महाराज जी हम तो आपसे छोटे हैं उम्र में भी और आप जो आदेश करेंगे वो हमारे लिए आदेश है। तो प्रेमदास जी महाराज का भी आदेश यही रहा कि अगर रूट को परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो हम लोग यात्रा में उपस्थित नहीं हो। तो महाराज श्री ने आदेश के अनुसार फिर हमने भी परिवर्तन कर दिया, क्योंकि हम संत समाज को तो छोड़ नहीं सकते। अगर मान लो हम चले जाएं और
कल को प्रेमदास जी महाराज भी हमारे संत, उनके भी 100-150 संत रहते हैं, अपने यहाँ भी 100-150 संत रहते हैं। कल को हम चले जाए वो न जाए तो फिर कल को पुष्कर राज में ये बात हो जाएगी, भाई राम सखा वाले महाराज जी संतों से अलग हो गए, अलग ही चल दिए, जो इस परिवर्तन में लगे उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम लोग परिक्रमा प्रातः काल कर लेते हैं। दूसरी परिक्रमा जब होती है तो केवल प्रशासन के आदेश पर हम लोग उपस्थित हो जाते हैं। जब प्रशासन के आदेश पर हम एक आवाज में उपस्थित हो जाते हैं तो क्या प्रशासन हमारा इतना भी साथ नहीं देगा कि जो है परिवर्तन, उसमें परिवर्तन क्या है? अगर मान लीजिए घंटा पौन घंटे के लिए अगर इधर से हम लोग निकले हैं अंदर से तो व्यवस्था बन सकती है। जिस सीएम साहब पधारे थे तो व्यवस्था हुई थी ना। आपकी कौन से रूट की मांग है? हमारी रूट की जो आज विगत 15 वर्षों से जो कंटिन्यू जो रूट चला आ रहा है उसी रूट की मांग है, क्योंकि विगत 15 वर्षों से कंटिन्यू वही रूट है। 2 वर्षों से अगर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई परिस्थितियाँ रही होगी, पर हमें जहाँ तक लग रहा है अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो इसलिए मेरा तो निवेदन यही है, आपसे भी निवेदन यही है, सभी पुष्कर वासियों से निवेदन है और संपूर्ण पुष्कर मेला के अधिकारियों से निवेदन है कि इस कार्य को अगर विधिवत तरीके से करेंगे तो हमारे तीर्थराज तीर्थ के गुरु पुष्करराज के 4 चांद लगेंगे, क्योंकि संसार में रामचरित मानस में सुंदरकांड में तो स्पष्ट लिखा गया है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी और कर कल्याण अखिल खेहानी। तो संतों की तो कभी अवज्ञा ना करें, हम लोग संतों के पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, किसी भी शास्त्र को उपनिषद को पुराणों को उठाकर आप देख सकते हैं। तो यही पुनः निवेदन है कि रूट अगर ठीक से हो जाए, विगत 15 वर्षों से जो कंटिन्यू चला आ रहा है उसी पर यात्रा अगर करी जाए तो बड़े आनंद और प्रफुल्लित के साथ हम हमारे जो बड़े महंत हैं प्रेमदास जी महाराज और अचलानंद जी महाराज, राम द्वारा वाले महाराज, सेवानंद जी महाराज, गिरीशानंद वाले महाराज, राजा राम जी महाराज, सब लोग जितने भी हैं हम लोग सहर्ष मतलब प्रशासन के साथ हैं और वैसे भी साथ हर साथ रहेंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु हमारा इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं, मैं अपना स्वयं का निजी कुछ भी नहीं है, मैं संतों के साथ हूँ और जहाँ से संत लोग चाहेंगे सभी मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। आध्यात्मिक पदयात्रा जो है कार्तिक पुष्कर मेले के जो एकादशी का दिन होता है उस दिन आयोजित की जाती है, तो इस बार जो 4 नवम्बर को यानी कि कल आध्यात्मिक पदयात्रा की शुरुआत होगी, सुबह 8:30 बजे गायत्री मंदिर गुरुद्वारे के जो चौक है उसके सामने से आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू होकर बड़ी पुलिया से होते हुए और ब्रह्म चौक से वापस कस्बे में बाजार में होते हुए और ब्रह्मा मंदिर के सामने से होते हुए मेला ग्राउंड में उसका समापन होगा। जो विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के गुरुजन हैं, महापुरुष हैं और संत हैं, साधुगण हैं इत्यादि को इसमें आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा अन्य सामाजिक संगठनों के व्यक्ति मौजूद जो लोग हैं ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। विभिन्न संस्थाएं हैं, स्कूलें हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ विभिन्न झांकियों के साथ बैंड बाजे घोड़ी बग्घे इत्यादि के साथ इस भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अन्य जो धार्मिक लोग हैं वे भी सभी जो महानुभाव सभी को आमंत्रित किया गया है और आमजन से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट करके धर्म लाभ की प्राप्ति करें। पदयात्रा में जो परंपरागत रूप से आयोजन किया जाता है उसी पर ही फोकस है, क्योंकि ये धार्मिक यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है, तो इसमें नवाचार जो परंपरा को ध्यान में रखते विशेषकर उसी पे फोकस है, साधु संतों को आमंत्रण पे हमारा विशेष फोकस रहता है। तो हमेशा काटते हैं ना, दूसरे की फर्क में जो बाजार की करते हैं वही कर रहे हैं, दूसरा यहाँ कोई प्रशासन कोई अफसर कोई लोग मेरे पास आए नहीं, मेला का एक दिन आया पूछा बोला आप हमारे साथ चलो, मैंने कहा 2 साल हुए हमने छोड़ दिया, इसे जंगल में क्या करेंगे जी, बाजार में तुम काटो, बाजार में काटे तो क्यों नहीं जाएंगे, तो जंगल में काटते कौन जाएगा, वहाँ जंगल में रोई में जंगलों में हम थोड़े जाएंगे, जंगलों में नहीं जा सकते, बाजार में काटो जुलूस काटना हो तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा इच्छा नहीं है इनके जुलूस के साथ जाने का, नहीं लेंगे भाग हम तो जाते। घर मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है, साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए
क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।